लड़की टिंडे रेसिपी को बाकी पकवान चल जो। और ये देखिए मैंने रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? क्या उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो आज की स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं, तो अम्मी जान बताएं कि आज क्या बनने वाला है। आज बनने वाले हैं स्पेशल रेसिपी के साथ टिंडे गोश्त, जो कि ट्रेडिशनल हमारी डिश है विलेज वालों की और हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, ये हर घर में मशहूर टिंडे बने जाते हैं। हर लड़का लड़की इस टिंडे रेसिपी को बना सकता है और खा सकता है। ये देखिए जी, हमने डाल दिया है इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी के सरसों का तेल जोताई, और अब मैंने साफ सुथरे में हाथ साफ कर ली। चम्मच से तेल करेंगे, मस्टर्ड ऑयल में खाना बहुत अच्छा बनता है और इसमें आयरन भरपूर होता है। बाकी पकवान तेल जो यूज़ करते हैं पकवान तेल करें, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम किस में खाना बनाते हैं और किस में हेल्दी और शुद्ध खाना बनता है। और इसी के साथ ही आज इसमें आने वाला है जी दालचीनी का टुकड़े, और इसमें एक थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे इसका टेस्ट और भी हो जाएगा। और ये देखिए जितना थोड़ा गरम मसाला निकल रहा है अभी, और हमारा तेल भी शोला भड़का रहा है। और ये देखिए सारा जीरा हमारा और इसमें गरम मसाला डाल दिया गया है। और अब जो बारी आती है इसमें चिकन भी, क्योंकि चिकन हमारे पास एक पाव से 1.5 पाव के करीब है। और ये देखिए माशाल्लाह जी, चिकन डाल दी गई है और चिकन शोला भड़क रहा है उसमें। ये देखिए क्योंकि जाहिर सी बात है छीटे पड़ते हैं इससे और बहुत ज़्यादा एक अच्छा अंदाज होता है, तो इसलिए हमने इसमें ढक्कन ढक देते हैं। और ये देखिए हमारी चिकन अच्छे से भुन रही है। और देखिए जिसमें कलेजी का पीस भी बच गया था वो भी आ गया, चिकन भुन रही है। और इसमें अब आ रही है कि नमक की तकरीबन आपने ये ले ली है 1 से 2 चम्मच के करीब आप नमक लेने, या जो आप खाते हैं हद से जरूर वो ले लीजिए। उसके साथ ये बाकी स्पाइसेस भी आएंगे, लेकिन अभी पहले हम इसमें चम्मच चला लें। मैं अब थोड़ा सा ही आएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने पीसा के रखा हुआ था। और इसमें हल्दी 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 जरूरत, इसका रंग आएगा तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब। इसमें आएगी किसी किसी में रेड चिल्ली पाउडर तकरीबन तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब। अब इसमें आएगा धनिया पाउडर, ये भी आपने हद जरूरत डालें, यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच के करीब डाल दें। हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन है, कितनी चिकन है ये 1.5 पाव चिकन है, 1.5 पाव के अंदर हमने 2-2 टेबल स्पून डालें, अगर आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर लें। और अब इसमें आएगा प्याज का पिसा और टमाटर का पिसा हुआ पेस्ट, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, अब इस पे चढ़ेगा रोगन और अब इसको भुनाई होगी, ये पकेगा। ये स्पेशल रेसिपी है टिंडो के साथ, टिंडे भी हम आपको काट के दिखाएंगे, क्योंकि बेसिकली ट्रेडिशनल रेसिपी है ये, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। टिंडे हमारे निकल कर आ गए हैं और ये बड़ी ही जबरदस्त रेसिपी लग रही है मुझे। ये देखिए जी, हमारे ट्रेडिशनल टिंडे काटे जा रहे हैं।
और ये बड़ी ही जबरदस्त रेसिपी होती है, आप लोग भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। हरे भरे टिंडे हैं ये, क्योंकि गोभी के रेट मैंने लिए थे जाके बाजार से, अम्मी की हिम्मत थी नहीं, आपको पता है मेरे को दिल का मसला है, तो बराबर वालों के यहाँ से मैंने थैला लिया और छतरी मांगी थी, क्योंकि बाहर इतनी कड़की धूप हो रही है, मुझे धूप में निकलने से भी मना है, क्योंकि मुझे अभी पीलिया हो गया था पिछले दिनों और वो खारिश हो गई थी जिसम में, तो फिर मैंने बराबर पड़ोसी चप्पल और वो ले ही थैला और मैं निकल गया। तो रेट मालूम किए तो 200 रुपये किलो गोभी मिल रही है, जब से हमारे पंजाब में नुकसान हुआ है बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, क्योंकि भाई हर चीज़ की फसल तबाह हो गई है बारिशों की वजह से, तो क्या कर सकते हैं, खाना पकाना तो है। टिंडे भी मुझे 100 रुपये पाव मिले हैं, अब आप यकीन कर नहीं करेंगे लेकिन ये हकीकत है, हालांकि टिंडे जल्दी 60-70 रुपये पाव मिल जाते हैं, लेकिन 100 रुपये पाव मिले हैं मुझे, मजबूरन लेना पड़ा। और मुझे तकरीबन 15 मिनट का सफ़र मैं 1.5 घंटा तय करके आ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे किराए के पैसे थे और मुझे वो टिंडे में देने पड़ गए। देखिए जी अम्मी टिंडे काट रही हैं, छील रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे गोल मटोल टिंडे, ये देखिए काट रहे हैं। गर्मी इस कदर की हो रही है कि 2 मिनट भी वो नहीं रहा जा रहा। अभी हमारा मटका भी टूट गया, कल रात को बिल्ली ने हमला कर दिया, अब हमें गर्म पानी से गुजारा करना पड़ेगा, हम पड़ोस से बर्फ ले लिया करते थे पहले, एक दो प्याली बर्फ मिल जाया करती थी, लेकिन अब तो वो सहारा भी छिन गया, एक तो पहले पंखा छिन गया, अब मटका छिन गया, बस क्या करें गुजारा कर रहे हैं। बारिशों के चक्कर में मिट्टी का चूल्हा भी हमारा खराब हो गया, इसलिए ये भी हमें हमारे पड़ोसी ने दिया था, अब उनका पुराना चूल्हा रिटायर हो गया था, तो ये देखिए जिसका बटन भी निकल चुका था, तो बस हम यही चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, ये भी इम्तिहान है। तो जी हमारे टिंडे कंप्लीट होने वाले हैं, जो लोग भी टिंडे शौक से खाते हैं और टिंडे रेसिपी बनाते हैं हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और टिंडे रेसिपी कैसी लगती है जी जिसको, और भरे हुए टिंडे कौन कौन बनाता है और कौन कौन खाता है, ये रेसिपी किसी के घर बनती है और किसी के घर नहीं बनती, सब हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका कमेंट पिन करेंगे और उसका नाम भी अपनी वीडियो में जरूर लेंगे। तो टिंडे जी हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया टिंडे को छीलने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि सख्त स्किन होती है, और मुझे कहा था मम्मी ने कि छोटे टिंडे लेकर आना, पर मैं बाजार गया तो वहाँ पे एक तो महंगाई इस कदर, ऊपर से टिंडों के रेट बहुत थे, तो भी मुझे मजबूरन ये लेने पड़े और छोटे टिंडे मिल नहीं पाए, तो टिंडे हमारे कट चुके हैं, तो बाकी का प्रोसेस हम बाद में दिखाते हैं आपको। दादी टिंडे और ये देखिए माशा, इसको हम भूनेंगे अच्छे से, और अगर लाइट चली जाए तो आप अपने माद रहे, क्योंकि लाइट चली जाती है यहाँ पर। चलो जी टिंडे हमें दो 3 मिनट तक ये भुनेगा, उसके बाद में शोरबा डाला जाएगा। सबके पकाते हैं चलो जी, अब सालन तो हमारा बन के तैयार हो गया है, तो अब हम बनाने वाले हैं रोटियां, तो हमने रोटी बनाने की तैयारी कर दी है, ये देखिए जी पेड़े बन रहे हैं, तो रोटियां बनती हैं फिर आपको दिखाते हैं, अभी अभी लाइट आई है, क्योंकि लाइट की वजह से काफी काम रुक जाता है। तो रोटियां बन रही हैं, ये देखिए गैस भी इस टाइम तक कम हो जाती है, तो उससे बहुत परेशानी होती है, और लाइट भी नहीं होती तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों से वीडियो शेयर करनी होती है, इसकी वजह से। ये हमने आटा फ्रिज में रखवाया हुआ था बराबर वालों के यहाँ, पर अब उनका भी फ्रिज खराब हो गया बेचारों का, आज हमारे सामने ही सुबह गया है, बहुत पुराना फ्रिज था उनका, उनकी नानी के जमाने का, तो बस वो बेचारे भी बहुत वो है, आटा दिया उन्होंने हमें ला के, अब हम टेंशन में है कि अब आटा गूंद के रख दें फिर उसे कब बनाए।
अगर वो खराब हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ये पहली रोटी जा चुकी है। जैसे ही रोटियां बन जाती हैं फिर हम खाना खाने बैठेंगे। देखिए जी, साधन जी हमारा देख लिया है आपने। हमने चूल्हे की थोड़ी तेज की है, ये रोटी बनने वाली है। बस इसी के साथ तो बस इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज को करेंगे खत्म। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग हमारा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।